हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जीएस। आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे और ये अनुच्छेद हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ताकि ये हमें याद करने में आसानी हो जाए। और इस एक वीडियो में हम अनुच्छेद एक से लेकर अनुच्छेद 395 तक के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो सभी देखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जब लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद, जब संविधान हमारा बना था तो उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो उस समय संविधान में थे 395 अनुच्छेद जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 400 से भी ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। जैसे अनुच्छेद तो 395 ही हैं, लेकिन इसमें बीच में का खा गा करके कुछ अन्य अनुच्छेद भी जोड़े गए हैं, तो इससे इनकी टोटल संख्या 400 से भी ज्यादा हो गई है। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हो गई हैं, और टोटल हमारे संविधान में 22 भाग हैं। तो ये हमने देखा कि अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं और अनुसूचियां कितनी हैं। तो चलिए अब हम सभी एक एक करके अनुच्छेद देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो इसमें पहला है, भाग एक में दिया गया है, अनुच्छेद एक से चार तक भाग एक में दिया गया है, और इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग एक में अनुच्छेद एक से चार के बीच में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और इसमें पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद एक, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद एक में बताया गया है। अब आप यहाँ पे मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, भारत राज्यों का संघ होगा, इसका क्या मतलब है कि भारत के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसका यही मतलब है कि जब हमारा संविधान बना था तब सभी राज्य, अलग अलग राज्य इकट्ठा नहीं हुए थे, पूरे संविधान भारत राज्यों का संघ है, तो इसलिए किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की इजाजत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई सीएम, यूपी के सीएम ये कह दें कि अब हमें तो सीएम रहना ही नहीं है, हम पीएम बनना चाहते हैं, तो ये पीएम कभी नहीं बन सकते हैं। यूपी के जो हेड होंगे वो हमेशा सीएम ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए भारत राज्यों का संघ है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की इजाजत नहीं दी गई है। और अब हम देखते हैं दूसरा अनुच्छेद क्या है हमारा, अनुच्छेद दो में दिया गया है, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश का क्या मतलब हुआ, नए राज्यों के प्रवेश का मतलब यह है कि अगर भारत किसी भी, भारत से बाहर किसी भी क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेता है, मान लीजिए यहाँ पर भारत पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र अगर अपने कब्जे में कर लेता है, तो वो नए राज्यों को प्रवेश, वो अनुच्छेद दो के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नए राज्यों का जो भी प्रवेश होगा, जो भारत से बाहर भारत कैप्चर करेगा, तो वो अनुच्छेद दो के अंतर्गत आएगा। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद तीन। अनुच्छेद तीन है, राज्यों के क्षेत्रों और सीमा और नाम में परिवर्तन। तो इसका क्या मतलब हुआ, राज्यों के क्षेत्र, अभी मैंने अनुच्छेद दो बताया, इसका मतलब हुआ कि भारत किसी भी, भारत देश से बाहर किसी राज्य को अगर भारत अपने हिस्से में शामिल करता है तो अनुच्छेद दो के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर भारत के ही राज्य, भारत के ही, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी राज्य में दो राज्य बनाना है, तो ये अनुच्छेद तीन के अंतर्गत आएगा। राज्यों की सीमा, और अगर किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है, यूपी का नाम अगर कुछ और करना हो, तो इसके इसके लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे अनुच्छेद तीन के अंतर्गत बनेंगे। और यह कौन बनाएगा, तो यह हमारी भारत की संसद के द्वारा बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश खुद अपने राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता है, नहीं तो मान लीजिए यहाँ पर ये राजस्थान है, राजस्थान के सीएम ये नहीं कह सकते हैं कि अब हम तो इतना क्षेत्र अपने अंडर में करना चाहते हैं, तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये करने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद को है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद एक, दो और तीन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं अनुच्छेद। अब हम देखते हैं भाग दो, इसमें दिया गया है 5 से 11, भाग दो में 5 से 11 अनुच्छेद है, और इसके अंतर्गत नागरिकता आता है। नागरिकता बस आपको इतना ध्यान रखना है, इससे अंदर की चीजें ज्यादा नहीं पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में कौन से हैं, बस तो आपको इतना ध्यान रखना है, भाग दो में 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है।
अब भाग तीन देखते हैं। भाग तीन में दिया गया है 12 से 35 अनुच्छेद और यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग तीन 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। तो यहाँ पे पहला है समानता का अधिकार और ये समानता का अधिकार के अंतर्गत ये अनुच्छेद 14 से 18, ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं, टोटल 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार है वो अब हटा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब टोटल 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, अब हम वो देख लेते हैं। तो इसमें है पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 17 में दिया गया है स्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, कोई अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कोई भी व्यक्ति अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो ये आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत इतने अनुच्छेद तो जरूर ही ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है, अब देखते हैं हम भाग पांच। भाग पांच में दिया गया है 36 से 51 के बीच में, भाग पांच में 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। ये नीति निदेशक तत्व होते क्या हैं? मान लीजिए हमने देखा कि कुछ मौलिक अधिकार बनाए गए जो कानूनी रूप से हम लागू करवा सकते हैं उच्च न्यायालय के द्वारा, लेकिन ये राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि राज्य कुछ कार्य करेगा जनता के लिए, लोग के लिए, देश के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। टोटल तो 36 से 51 है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। पहला है 38 का, इसमें दिया गया है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो राज्य ऐसा कानून बनाएगा जिससे लोगों को समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता मिले और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे राज्य शांति के लिए विधि बनाएगा और भारत देश की सुरक्षा करेगा। और इसके बाद दिया गया है ये भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का में दिया गया है, ये है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किसके लिए होते हैं? तो हमने देखा राज्य के नीति निदेशक तत्व ये राज्यों के लिए होते हैं, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य होते हैं 51 का में, भाग का के 51 का में दिया गया है मौलिक कर्तव्य, और ये व्यक्तियों के लिए होते हैं, भारत की जनता के लिए होते हैं। तो टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, और इस मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जनता के लिए होता है, लोगों के लिए, और राज्य के नीति निदेशक तत्व तो राज्य के लिए होता है, ये सरकार के लिए होता है। नेक्स्ट है भाग पांच। भाग पांच में दिया गया है 51 से 151 के बीच, यहाँ पर संघ है। और भाग छह में दिया गया है 152 से लेकर 237 राज्य के लिए है। तो इसमें हम राष्ट्रपति और राज्यपाल को साथ साथ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये एक ही साथ कुछ अंक जोड़कर पढ़े जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में दिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
और अनुच्छेद 53 में दिया गया है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो देश का जो भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्य की विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 54 में दिया गया है। तो इसी के साथ में आप ये देख लीजिए कि अगर हम अनुच्छेद 52 में 101 अंक जोड़ देते हैं, 101 संख्या जोड़ते हैं, तो अनुच्छेद 153 आ जाएगा, जो कि अनुच्छेद 153 में दिया गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और अनुच्छेद 52 में दिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसमें अगर 101 52 में हम जोड़ते हैं तो राज्य के राज्यपाल आ जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य लगभग सेम ही होते हैं। अनुच्छेद 53 में 101 जोड़ने पर 154 आएगा, और यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और यहाँ पर भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और यहाँ पर राज्यपाल में निहित होगी, और यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया गया है, और यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है। तो राष्ट्रपति का नियुक्ति किस प्रकार की जाती है वो अनुच्छेद 155 में दिया गया है। तो ये आपको इस ट्रिक से आप ये 6 अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल के याद कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट कुछ और भी अनुच्छेद हैं, हम वो भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58, यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए क्या होना चाहिए? कि राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष राष्ट्रपति पूरी कर चुका हो, और वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। तो ये सारी बातें जो भी हैं आप राष्ट्रपति के पद की योग्यता से संबंधित याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 62 में दिया गया है ये महाभियोग से क्या होता है, कि राष्ट्रपति को इससे हटाया जा सकता है। अगर महाभियोग संसद में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है। अनुच्छेद 72 में दिया गया है राष्ट्रपति पर द्वारा क्षमा दान की शक्ति। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 72 में दिया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 123, संसद के सत्र नहीं चलने की स्थिति में, जब संसद का सत्र नहीं चलता है तो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जैसे आपने प्रेजेंट टाइम में देखा होगा, यहाँ पर जो कृषि बिल आया है वो पिछले साल जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा था तो उस समय लाया गया था, और वह राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा ही लाया गया था। तो इससे आप याद रख सकते हैं राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है किसी भी बात के लिए, लेकिन राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बात ही नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति 143 के अंतर्गत उच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं, लेकिन वह उस परामर्श को लेने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इस समय राष्ट्रपति कौन है? तो आप देख लीजिए यहाँ पर रामनाथ कोविंद है, 25 जुलाई 2017 से ये अभी भी हमारे राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, अब हम उपराष्ट्रपति देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 163 में उपराष्ट्रपति होगा भारत का दिया गया है। 64 में दिया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो ये ध्यान रखना है। और 65 में दिया गया है राष्ट्रपति के पद खाली रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, तो ये ध्यान रखना है। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित तीन ही अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं। ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, 11 अगस्त 2017 से ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं।
नेक्स्ट अब हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को साथ साथ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप प्रधानमंत्री के अनुच्छेद में 89 ऐड कर देते हैं तो मुख्यमंत्री का अनुच्छेद आ जाता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 74 है, इसमें दिया गया है राष्ट्रपति को कि सहायता के लिए राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 75 में दिया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। तो ये ध्यान रखना है 75, 74 और 76 में क्या दिया गया है, भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये 75 के जस्ट बाद आता है। तो ये ध्यान रखना है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी कौन होते हैं, तो ये राज्य भारत सरकार के वकील होते हैं। अगर भारत सरकार का कोई भी केस वगैरह लड़ना हो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भारत के महान्यायवादी ही लड़ते हैं। और अगर राज्य का कोई केस लड़ना हो कहीं सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो यह राज्य के महाअधिवक्ता लड़ते हैं। अनुच्छेद 76 में अगर आप 89 ऐड कर देते हैं तो 165 आएगा और यह राज्य के महाअधिवक्ता के लिए होता है। और यह है 164, अनुच्छेद 164 में दिया गया है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगी राज्यपाल। तो यही यहाँ पर ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। 163 में क्या दिया गया है, राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। यहाँ पर एक मंत्रिपरिषद और यहाँ के शीर्ष पर प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इन 6 अनुच्छेद को आप एक साथ में याद रख सकते हैं, प्लस 89 89 ऐड करके और पीछे 101 ऐड करके आपको याद रखना है। तो ये इतने अनुच्छेद हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अब देखते हैं हम संसद के बारे में। संसद के अनुच्छेद 79 में दिया गया है संसद के गठन का प्रावधान और अनुच्छेद 80 में दिया गया है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लोकसभा की संरचना कैसी होगी, राज्यसभा की 80 में और 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये संसद से रिलेटेड तीनों अनुच्छेद आपको एक ही साथ याद करने हैं। अब संसद से रिलेटेड जो भी अन्य इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 89 है, 89 में दिया गया है कि राज्यसभा, अनुच्छेद 89 में दिया गया है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। 108, अनुच्छेद 108 में दिया गया है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी और इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अनुच्छेद 110 में दिया गया है धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि बजट शब्द संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। और अनुच्छेद 117 में दिया गया है वित्त विधेयक, तो यहाँ पर धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है वित्त और धन विधेयक में। अनुच्छेद 123 जो हम पीछे देख भी चुके हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्योंकि यह संसद से संबंधित है इसलिए मैंने इसे यहाँ पर भी दिखा दिया है। तो अब हमने देखा यहाँ पर संसद से संबंधित इतने अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं। अब आप ये भी देख लीजिए कि संसद से संबंधित जो राज्य के विधानसभा से संबंधित जो भी अनुच्छेद कौन कौन से हैं, जिसमें अगर आप पहला है 168, यहाँ पर 168 में दिया गया है राज्यों के विधानमंडलों का गठन होगा और 79 में दिया गया है संसद का गठन और 170 अनुच्छेद में दिया गया है विधानसभाओं की संरचना, 171 में दिया गया है विधान परिषद की संरचना। तो अगर आप यहाँ पर अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना में 89 ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा अनुच्छेद 170 जो विधानसभा की संरचना से संबंधित है। तो ये दोनों तीन तीन अनुच्छेद भी आप एक साथ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप ये देख लीजिए कि भारत में इस समय कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद दिया गया है। पहला उत्तर प्रदेश में दिया गया है, कर्नाटक में दिया गया है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है,
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में वर्तमान समय में विधान परिषद है। ये सभी राज्य आपको याद करने हैं। कैसे याद करने हैं? आप उत्तर प्रदेश, बिहार पास पास हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र पास पास में है, मतलब एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहला है अनुच्छेद 124। इसमें दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का जो भी कार्य होंगे, जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी सर्वोच्च न्यायालय अपना सर्वोच्च न्यायालय जो भी न्याय करेगा, जो भी फैसला देगा, वो आने वाले समय में रिकॉर्ड के तौर पे भी कार्य करेंगे। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 137, उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन करने की शक्ति। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए आदेश को दोबारा उसका पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 143 में दिया गया है परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और यहाँ पर 32 जो कि मौलिक अधिकार है मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। इसमें दिया गया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है और न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रतिलेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। और यह सभी यहाँ पर हाई कोर्ट भी जारी कर सकते हैं। तो ये आपको अनुच्छेद 32 जो कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है ये ध्यान रखना है। अब हम हाई कोर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं। इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में दिया गया है उच्च न्यायालय के गठन के बारे में। और 226 में उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति होती है। और वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये आपको भी याद रखना है कि वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और यहाँ पर इससे बाद में एक अनुच्छेद और आता है जो कि इससे संबंधित नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर नीचे दे दिया है अनुच्छेद 148 जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है और इन्हें कैग भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम केंद्र राज्य से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 249, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। आपको पता होगा कि टोटल राज्य सूची विषय होता है, संघ सूची विषय होता है और समवर्ती सूची होता है। समवर्ती उस सूची पे कौन कानून बना सकता है? समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्य सूची पर सिर्फ राज्य बना सकता है और संघ सूची पर संघ बना सकता है। लेकिन कुछ कानून राज्य सूची पर कुछ दशाओं में इस अनुच्छेद के तहत संसद भी कानून बना सकती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 162, यह अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय होता है। यहाँ पे जल संबंधी जो भी विवाद है उसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 263 में। अगर दो राज्यों के बीच से कोई नदी जा रही है तो उसमें जल का जो बंटवारा होता है उस पे अक्सर विवाद रहता है, तो ये ध्यान रखना है। यह विवाद अनुच्छेद 263 से संबंधित है। नेक्स्ट है 262 से संबंधित है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 263, इसमें दिया गया है केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 266 में दिया गया है भारत की संचित निधि। 267 में आकस्मिक निधि दिया गया है। और अनुच्छेद 280 में दिया गया है राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है हर 5वें वर्ष। ये आपको अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया है और ये याद रखना है। और यह हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग बनाया जाता है और इस साल वित्त आयोग की सिफारिश आई है, वित्त आयोग का निर्णय आया है, रिपोर्ट आई है। तो ये इसलिए यह अनुच्छेद और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद। कुछ अन्य अनुच्छेद भी हैं। 300 का है अनुच्छेद 300 का, विधि के प्राधिकार के बिना
व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। ये संपत्ति का अधिकार मैंने वो बताया था आपको, मौलिक अधिकार के अंतर्गत की मौलिक अधिकार अब 6 रह गए हैं, तो वहां से जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था वो अनुच्छेद 300 का में अब रख दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें क्या क्या आता है? आईएएस आता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है ये, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 315 में दिया गया है संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 224, यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इस वर्ष निर्वाचन काफी जगह इलेक्शन हो रहा है कई राज्यों में, तो इसलिए यह अनुच्छेद काफी चर्चा में रहा है, तो पूछा जा सकता है और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243, हिंदी राजभाषा से संबंधित है और हमारी इसमें लिपि दी गई है देवनागरी लिपि। अब आपातकाल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो देखते हैं। इसमें पहला है 352, यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और वित्तीय 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल केंद्र में लगाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 352 और 360 में वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर ये याद करने में आसानी होगी क्योंकि ये +4 +4 करके दोनों दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, यह संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान में जो भी संशोधन किए जाएंगे वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए जाएंगे, और स्वयं 368 संविधान संशोधन इस अनुच्छेद में भी अगर कोई संशोधन किया जाएगा तो वह इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने सभी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे हैं, जो अक्सर एग्जाम में ऐसे यही सारे अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक दो बार देख लेंगे तो आपको सभी अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।